आ गए आ गए समाधि फैक्ट्री नरेश उत्तम पटेल समाधि फैक्ट्री जिंदाबाद पवन पांडे नरेश सुत्ता मैं मेरा एक पवन पांडे पवन पांडे नरेश सुत्ता पवन पांडे नरेश सुत्ता पवन पांडे नरेश सुत्ता पवन पांडे नरेश सुत्ता समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, और ये भी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जनता से जो भी वादा बीजेपी ने किया वो उस वादे को नहीं निभाया। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को उनके फसल का लाभकारी मूल्य देने की बात की थी, लेकिन लाभकारी मूल्य तो छोड़िए, किसानों को उनकी लागत मूल्य नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि इस देश के अंदर स्वदेशी लाएंगे, लेकिन बीजेपी स्वदेशी न लाकर विदेशियों को ला रही है, और विदेशी सामान का आयात भारत में सबसे ज़्यादा हो रहा है। इस देश में बेरोजगारी की वजह से गरीबी है, और गरीबी की वजह से हिंसा है। हमारा प्रयास होगा, हमारे नेता हमारे आदर्श माननीय अखिलेश यादव जी का प्रयास होगा, इस देश से बेरोजगारी हटे, इस देश में किसानों को उनकी फसल का मूल लाभकारी मूल्य मिले, और इस देश से भ्रष्टाचार हटे, और इस देश में सामाजिक समरसता कायम हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हटाना भारत में सांप्रदायिक शक्तियों को, भारत में पूंजीवादी शक्तियों को, भारत में पाखंडवादी शक्तियों को हटाना समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी के जो अनुसांगिक संगठन है समय परिस्थिति काल देखकर बोलते हैं, लेकिन उस बात पर अमल नहीं करते हैं। जनता ये सब जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन जनता को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता में और समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की जो गठबंधन हुआ है, इस पर जनता का विश्वास बढ़ा है। समय एक तरफ जनता और गठबंधन सारी पार्टियाँ एक तरफ रहेंगी और एक तरफ नरेंद्र मोदी और भाजपा रहेंगे, इसलिए ये उसके बाद तय होगा कौन क्या होगा। लेकिन इस समय देश को बचाने के लिए, एकता को बचाने के लिए, देश के भाईचारे को बचाने के लिए, देश के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, यहाँ तक कि जो इतना ज़बरदस्त विदेशी कंपनियों को जो इन्होंने सब कुछ देश को गिरवी कर रखा है, उससे बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि भाजपा को हटाया जाए। ये भाजपा को हटाने का ये इलेक्शन है, बाकी सब ठीक हो जाए।